ओके, सो आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ओके, स्पेशली यू नो इट इज अबाउट इंडिविजुअल लिबर्टी. आपको स्टेट, हमने क्या पढ़ा था हॉब्स वाले में, हॉब्सियन स्टेट क्या करता है, इट ऑप्रेसेस. इसका नेचर ही है स्टेट का ऑप्रेस करेगा. स्टेट के पास एक और चीज है, सैंक्शन ऑफ वायलेंस एंड सैंक्शन ऑफ डिस्पेंसिंग जस्टिस. सो ये पावर का मिसयूज ना हो, इस पर्टिकुलर पावर का मिसयूज ना हो, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, उसके जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने आर्टिकल 20 को इंक्लूड कर दिया इसमें. सो आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस देता है, कि सर्टन केसेस में इंडिविजुअल को हम प्रोटेक्शन देंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. ठीक है, आर्टिकल 20 प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल जिनको अक्यूज किया गया है क्राइम का, अक्यूजेशन है उनपे कि आपने कुछ क्राइम कमिट किया है. सो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस. इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा पर्सन, उसको कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा जब वो क्राइम उसने कमिट किया है, समय कोई लॉ नहीं है उस फोर्स में. एग्जाम्पल के लिए सपोज आज मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदा, आज के डेट में मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदा और क्रिप्टो करेंसी बेचा. यहां पर क्या है कि मान लो कि जून में मैंने बेचा, जून 2023 में मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदा, क्रिप्टो करेंसी बेचा, और अक्टूबर 2023 में एक लॉ ऐसा आया कि जो क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा, जो क्रिप्टो करेंसी बेचेगा, उसको 10 साल की जेल होगी. यहां पर बेसिकली आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2023 वाले लॉ से मैं जून के 2023 वाला जो मेरा एक्ट है, जिसमें उस समय कोई ऐसा लॉ नहीं था विच वॉज अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी, तो आप मुझे कन्विक्ट नहीं कर सकते. उसी तरीके से सपोज अक्टूबर 2023 में आज की डेट में मैंने कुछ ऐसा काम किया जिसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है, विच इज 100% लीगल, लेकिन कल को वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, ओके, तो मुझ पे केस नहीं हो सकता है बिकॉज द लॉ इज नॉट इन एक्शन वाइल माई डीड वॉज डन. और इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आपने सुना होगा, उसी तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे जाके पुनिश करना बेसिकली. सो अगर कोई लॉ ऐसा बन रहा है, ओके, सपोज मैंने मर्डर कर दिया किसी का, मैंने एक रॉबरी कर दी, और उसके अगेंस्ट मेरे स्टेट में कोई लॉ नहीं है, ओके, मेरे स्टेट में कोई लॉ नहीं है, तो मुझ पर कोई केस नहीं हो सकता है बिकॉज माई एक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज 100% लीगल, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, और दूसरी चीज क्या बोल रहा है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, दैट अगर किसी लॉ की 10 साल की सजा है, सपोज आई हैव कमिटेड सम क्राइम, सम फेलनी, और मुझे पकड़ लिया गया, एंड आई एम प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट एंड आई एम कन्विक्टेड, तो अगर 10 साल की मैक्सिमम सेंटेंस है तो मुझे 14 साल का सजा नहीं दे सकते हो आप, 10 से ज्यादा साल मेरे को आप अंदर नहीं रख सकते हो. अगर उस पर्टिकुलर लॉ की सजा मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल है, मैक्सिमम पनिशमेंट से कम मिल सकता है मुझे, हो सकता है 7 साल मिल जाए, हो सकता है 5 साल, 3 साल, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द क्राइम, लेकिन अगर मैक्सिमम पनिशमेंट किसी लॉ का प्रिस्क्राइब्ड है 10 साल, उससे ज्यादा मुझे नहीं मिल सकता है. ओके, दिस इज आर्टिकल 20 क्लॉज 1. सो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बेसिकली, ओके, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये जो क्लॉज है आर्टिकल 21 का, इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मीनिंग लॉज दैट प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ एन एक्ट व्हिच वाज इनोसेंट व्हेन डन. तो जब ये मैंने जब क्रिप्टो करेंसी खरीदा तब मैं इनोसेंट था क्योंकि उसके लिए कोई लॉ नहीं था, लेकिन अगर आप मुझे
यू नो इफ आप लॉ स्पेसिफिकली ला के मुझे प्रोसिक्यूट कर रहे हो तो दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट वैलिड एंड आई कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट माय लॉर्ड्स प्लीज हेल्प मी माय फंडामेंटल राइट दैट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इट इज इन डेंजर. ओके अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 पे. नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. इसका मतलब क्या है? डबल जेपोडी बोलते हैं. तो सपोज मैंने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का किसी का रॉबरी कर दिया, किसी को चीट कर दिया, मुझे हुई सजा 14 साल की. अब मैं 14 साल जेल काट के निकला तो मुझे वापस से पकड़ लिया गया कि भाई तुमने जो 14 साल पहले किया था दैट वाज वेरी हीनियस एंड दैट वाज वेरी बैड, इसलिए तुमको मैं फिर से प्रोसिक्यूट करके अंदर 14 साल डाल रहा हूं. ये बात समझे आप? मतलब एक बार मुझे पनिशमेंट मिल गई मेरी गलती की, एक बार मुझे पनिशमेंट मिल गई मेरी गलती की, तो मुझे दोबारा सेम काम के लिए, अगर मैं जेल से निकल के कुछ कांड कर दिया, मैंने सपोज मर्डर के लिए जेल गया और जेल से निकल के फिर किसी का मर्डर कर दिया, तब आई कैन बी पनिश्ड, देन आई कैन बी पनिश्ड. लेकिन अगर मैंने एक पर्सन का मर्डर किया आई वेंट इन साइड द जेल, मैं 14 साल अपना जो गलती की मैंने उसको मैं काट के निकला, देन आई कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अगेन फॉर द क्राइम ऑफ द सेम पर्सन, क्राइम कमिटेड ऑन द सेम पर्सन. ये चीज आपको समझ आई? डिड यू गाइज वेर एबल टू अंडरस्टैंड एक्स पोस्ट फैक्टो एंड डबल जेपर्डी? लेकिन इसका एक ये है, इसका एक एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसका एक एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या है? दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरी. ओके, डिपार्टमेंटल अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी चल रही है, आप एक डीएम है, आप एक आईएएस ऑफिसर है, आपने कुछ काम कर दिया, तो वहां पर इट इज परफेक्टली लीगल टू प्रोसिक्यूट यू ट्वाइस. लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में आपको एक क्राइम के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता. आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस रिगार्ड. अभी आ जाते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? कि कोई भी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. ये क्रिमिनल केसेस में. सो इसमें क्या होता है कि पुलिस आपको या प्रोसिक्यूशन आपको या गवर्नमेंट आपको, जिसके अगेंस्ट भी आप केस लड़ रहे हैं, आपको ये नहीं बोल सकती है कि आप अपने अगेंस्ट गवाही दे दो. ओके, आपको कंपेल नहीं कर सकती है अपने अगेंस्ट गवाही देने के लिए. आई होप दिस इज क्लियर. यहां पर एक क्वेश्चन आया है, इसको फिर से समझाने का. डबल जेपर्डी, आई विल डू दैट. डबल जेपर्डी में क्या होता है? डबल जेपर्डी में क्या होता है, जल्दी से समझो कि सपोज मैंने किसी एक पर्सन है ए, उसका मैंने मर्डर कर दिया. आई एम कॉट बाई दी पुलिस, आई एम कन्विक्टेड बाई दी कोर्ट एंड आई एम पुट बिहाइंड द बार फॉर 14 ईयर्स. और जब मैं 14 साल के बाद जेल से निकला तो मुझे वापस पकड़ के ए के मर्डर के लिए आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो. आई कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द क्राइम और द मर्डर ऑफ मिस्टर ए ट्वाइस. एक बार मैंने मर्डर किया, ओके, और उसके बाद मुझे सजा हुई, वापस से आप मुझे मिस्टर ए माइट बी एनी वीआईपी, मिस्टर ए माइट बी अ लेबरर, डजेंट मैटर, बिकॉज आर्टिकल 14 इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑल द पर्सन आर इक्वल, इक्वालिटी बिफोर लॉ. आई थिंक एवरीबॉडी हैज हर्ड दैट. तो डजेंट मैटर कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे या मेगा स्टार थे या कोई ही वाज अ वेरी बिग मैन, अगर मैंने इनका मर्डर किया और मुझे सजा मिल गई विच वॉज द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट, और मैंने सजा काट के मैं बाहर आ गया, तो आप मुझे वापस से प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते मिस्टर ए के मर्डर के लिए. लेकिन अगर मैं बाहर निकल के किसी बी पर्सन का मर्डर कर दिया या सी पर्सन का मर्डर कर दिया, तो आई कैन बी वेरी वेल प्रोसिक्यूटेड. अब समझ में आया? वर यू गाइज एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस? नहीं समझ आए तुरंत बोलो, फिर फायदा नहीं है लाइव क्लास आने का. अगर आप अपने डाउट्स नहीं रख सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर दो, सबसे बेस्ट डायरेक्ट मैसेज कर दो. नाम आपका कोई नहीं जा रहा है तो उसमें शर्म की भी बात नहीं है. बट आई एक्चुअली वेरी वेरी एडमायर पीपल जो धड़ल्ले से पूछते हैं, फिर समझाओ. ओके, ये चीज आप करो.
इसमें सजा ना हो, बरी हो, तब भी सेम कोर्ट में दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं. सेम कोर्ट नहीं, मतलब इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, सेम क्राइम के लिए आपको एक ही क्राइम के लिए दो बार प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता. बेसिकली इसका ये मतलब है. इसको डबल जेपर्डी बोलते हैं. इसका मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया, क्या? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी. अगर आप अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, वहां पर अगर आपको डबल जेपर्डी अगर आपके साथ हो रहा है, एक ही क्राइम के लिए आपको, या एक ही वायलेशन, क्राइम नहीं बोलूंगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जनरली वायलेशन के लिए होता है. वायलेशन आपने किया है दोस्त, और वहां पर आपको कर सकता है, दिस इज ओके. वहां पर देर इज नो लॉ विच सेज कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आपको एक चीज के लिए दो बार ऐसे आपको पनिशमेंट ना मिले. लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में क्राइम जो होता है, नॉर्मल क्राइम्स जो हो गया, जो कवर करता है कोर्ट ऑफ लॉ, उसमें डबल जेपर्डी कवर्ड है. देन सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं थर्ड वाले पॉइंट को? सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आप अपने अगेंस्ट गवाही नहीं देंगे. आप अपने अगेंस्ट गवाही नहीं देंगे. तो अगर आपने देखा होगा नार्को टेस्ट, जनरली क्या होता है, नार्को टेस्ट जब होता है तो उसमें एक ऑप्शन क्या होता है कि आप रिफ्यूज कर सकते हैं नार्को एनालिसिस में. तो बहुत सारे लोगों का कहना है नार्को एनालिसिस कम्स अंडर सेल्फ इंक्रिमिनेशन, बिकॉज नार्को एनालिसिस इज नॉट अ फिक्स साइंस, और उसके चलते हो सकता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन अपने अगेंस्ट गवाही हो जाए. इसलिए कोर्ट पूछती है क्या आप नार्को टेस्ट के लिए रेडी हैं. लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि अगर बहुत ही हीनियस क्राइम है तो वहां पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोर्ट ऑर्डर भी दे सकती है कि बॉस आप नार्को टेस्ट कराओ. ये नार्को टेस्ट हुआ था निठारी कांड में, इफ यू गाइज रिमेम्बर. निठारी कांड वॉज इन नोएडा. उसमें बच्चों, यू नो, देवर कैनिबल्स बोथ ऑफ दीज पीपल, उनका जो मालिक और नौकर था. उनके केस में एक्चुअली द कोर्ट वेंट अहेड एंड सेड नहीं भाई, इनका तो नार्को टेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज दे आर टोटली क्रेजी, एंड इनका पता लगाना होगा बिकॉज दिस इज अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस. लेकिन इन जनरल अगर आप नार्को टेस्ट से मना कर देते हैं तो कोर्ट आपको फोर्स नहीं करती है. दूसरी चीज है, एक और चीज क्या है, दैट व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं कि आप अपने अगेंस्ट गवाही नहीं देंगे, तो देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस विच आर, यू नो, विच आर लेड डाउन बाय द कोर्ट इटसेल्फ. कि भाई कोर्ट में जैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, आप जैसे अपना अंगूठा लगा रहे हैं, ये सारी चीजें. एक पर्टिकुलर लिस्ट है, एक पर्टिकुलर लिस्ट है, और उसमें है कि आप, यू नो, यू कैन, व्हाट द कोर्ट कैन आस्क यू कि भाई आप ये कर लो, ठीक है, आप ये, यू कैन गिव दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और कोर्ट डिसाइड कर सकती है व्हाट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन और नॉट. व्हाट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन और नॉट, वो डिसाइड कर सकती है, ठीक है. सो दिस इज द, यू नो, आर्टिकल 20. क्वेश्चन क्या है आपका, नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? ओके, यस, आई थिंक मोर और लेस एक पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, आपके हाथ में एक रैप करते हैं, जैसे वो आपके सुबह में पापा मम्मी वो नहीं लेते ब्लड प्रेशर का टेस्ट, उसी तरीके से होता है. और ऐसे ऐसे एक पेन चलता है, ऐसे ऐसे बताता है, कि आप जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो, यू नो, कैसे होता है. देन नार्को टेस्ट में, देर इज, आई थिंक, यस, यू आर करेक्ट, एक ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद, यू नो, इट इज कॉल्ड द ट्रूथ ड्रग, और उसके बाद बताया जाता है, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पर एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आपको बता देता हूं, अगर, यू नो, यहाँ पर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, आपने आपने किसी का मर्डर किया और आपने बोला मैंने मर्डर किया है, ठीक है, और आपको बोला गया कि बॉडी कहाँ छुपाई, तो वो नहीं आएगा. आप ये नहीं बोल सकते हो सर मेरा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, कंपल्सरिली आपको बॉडी प्रेजेंट करना होगा. और ये चीज जो है आर्टिकल 23, ध्यान रखना, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही चलता है. कहाँ चलता है? दिस ओनली वर्क्स इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ये सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं चलता है. मतलब अगर आप, यू नो, आप अपने घर घर वगैरह के लिए लड़ रहे हैं, या, यू नो, सिविल केस है, मैरिज का कोई केस है, सिविल कोर्ट का केस बेसिकली समझते हो ना, अगर सिविल कोर्ट का केस है तो वहां पर ये चीज नहीं चलती है, क्रिमिनल केसेस में ही चलता है. और यहाँ पर अगर आपके थंब इम्प्रेशन डीएनए वगैरह देना है तो वहां पर कोर्ट आपको बाध्य कर सकती है. द कोर्ट कैन से दैट, मिस्टर एक्स वाई जेड, आपको अपना डीएनए या अपना थंब इम्प्रेशन देना होगा. ये चीज आपको ध्यान रखना है. आप अपने अगेंस्ट ओरल गवाही नहीं दे सकते,
बिकॉज दैट विल बी सेल्फ इंक्रिमिनेशन. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कवर्ड है, लेकिन सर्टेन थिंग जो कंपल्सरी है उसमें क्राइम ऑब्जेक्ट्स हो गया, ओके, देन योर फिंगरप्रिंट्स मैच करने के लिए कि आप क्राइम सीन पे थे कि नहीं, ओके, ये सारी चीजें, ओके, बेसिकली यस, ये सारी चीजें. अब इसमें रेलेवेंट कोर्ट जजमेंट्स कौन कौन से हैं, तो करतार सिंह का जजमेंट है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो करतार सिंह जजमेंट में क्या है, बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है, इट हेल्ड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द टाडा एक्ट. टाडा एक्ट क्या था, टाडा एक्ट, पोटा एक्ट सभी ने पढ़ा है, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द टाडा एक्ट एंड द पोटा एक्ट? यस. टाडा एक्ट क्या था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. टाडा का फुल फॉर्म क्या है, टी फॉर टेररिस्ट, ए फॉर एंड डी फॉर डिसरप्टिव एंड एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, 1985 में आया था, क्या करने के लिए, इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए पंजाब में, ओके. तो टाडा एक्ट केम ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो उसमें यू नो करतार सिंह का जजमेंट आया था, उसमें सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द टाडा एक्ट वाज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बट इट ऑल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 20. द कोर्ट ऑल्सो एम्फसाइज की बॉस आपको आर्टिकल 20 दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा और नेसेसरी चेक्स जरूरी है अगेंस्ट पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर. एंड एक्चुअली में वॉट हैड हैपेंड, यू नो इट वॉज अ वेरी मेसी टाइम फॉर पंजाब. काफी ज्यादा एसपीज, पंजाब पुलिस के एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, लॉट ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वेंट टू जेल फॉर यू नो ह्यूमन राइट्स वायलेशन. काफी लोगों का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुआ पंजाब पुलिस का, बिकॉज इट वॉज अ मेसी टाइम. यू हैव टू टेक डेस्परेट मेजर्स बिकॉज ऑलरेडी 1985 तक, ओके, 1984-85 तक पंजाब हैड बिकम ऑलमोस्ट अ सेपरेट एंटिटी. वो भगवान की दया से और यू नो केपीएस गिल के वजह से हम वापस ला पाए. 1985 से लेके 1991 तक काफी ज्यादा ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ और उसी का एक नतीजा था करतार सिंह जजमेंट. तो करतार सिंह जो जजमेंट है, करतार सिंह जजमेंट बेसिकली यू नो इट शोकेस्ड अ वेरी डार्क टाइम. उस समय अ लॉट ऑफ पीपल वेयर पुट इन जेल क्योंकि उस समय आप कर नहीं पाते, वो ड्यू डिलिजेंस है बिफोर पुटिंग एनीवन इन जेल, उस समय पॉसिबल नहीं था, इट वाज अ वेरी डेस्परेट टाइम्स, ओके. देन एमपी शर्मा जजमेंट है वर्सेस सतीश चंद्रा जजमेंट, उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन एज वेल. मतलब सिर्फ कोर्ट में गवाही से आप नहीं बचेंगे, इन द सेंस की सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट में जाके अपने अगेंस्ट गवाही नहीं देना है, इट ऑल्सो मीन्स पुलिस के सामने आप चुप रह सकते हैं एंड यू कैन से कि मैं लॉयर आने दो, मैं लॉयर के थ्रू बात करूंगा, डायरेक्ट तो मैं बात ही नहीं करूंगा तुमसे. ये आपने सुना होगा, आई प्लीड द फिफ्थ. अगर आप अमेरिकन यू नो क्राइम वेब सीरीज देखते हैं तो उसमें बेसिकली आई प्लीड द फिफ्थ बोला जाता है व्हेन एवर द पुलिस कम्स एंड से मैम डू यू नो दैट यू वर ड्राइविंग टू फास्ट एंड ये सब इस टाइप से होता है. देन द वुमेन सेज आई प्लीड द फिफ्थ ऑफिसर, इसका मतलब मेरा फिफ्थ अमेंडमेंट का राइट है दैट आई कैन चूज टू स्टे साइलेंट अगेंस्ट माई सेल्फ. मतलब मैं अपनी गवाही देने से बच सकती हूँ. तो उसी तरीके से ये है, ओके, दिस इज दिस दिस थिंग इज हियर. देन स्टेट ऑफ बॉम्बे, ओके, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कोलू ओगाड, 1961 का ये केस है. वहां पर जो कोर्ट है उसने स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन बताया था कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का कहां तक जा सकता है, तो उसने बोला था कि इट हेल्ड दैट कंपेलिंग अ पर्सन टू गिव थंब इंप्रेशन, उसके हैंडराइटिंग का स्पेसिमेन, अंडरगोइंग अ मेडिकल एग्जामिनेशन टू चेक यू नो फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस, टू चेक यू नो फॉर यू नो पोटेंशियल ऑफ रेप, दैट डज नॉट अमाउंट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन. एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्पेशली, दैट अगर पॉलिटी पढ़ाई कर रहे हो आप, व्हाई लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ इज बिकॉज जो जजमेंट्स होते हैं, ओके, लक्ष्मीकांत इज एन एक्सेलेंट सोर्स, ब्यूटिफुल सोर्स, लेकिन कुछ जजमेंट्स होते हैं उनका अपडेशन अगर नहीं है तो आपका आंसर हो सकता है गलत हो जाए, बिकॉज कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, ओके. इसीलिए डीडी बसु इज जनरली रिकमेंडेड, ताकि आप यू नो लक्ष्मीकांत के साथ डीडी बसु का जो सबसे
नया वर्जन है 2023 का वर्जन, उसको उठाएं क्योंकि उसमें सबसे लेटेस्ट कोर्ट वाले अपडेट्स मिलते हैं आपको। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे का क्या था, काथीकोलू ओगाड वाले में, दैट काथीकोलू ओगाड वाले में उन्होंने बोला था कि थंब इम्प्रेशन स्पेसिमेन ऑफ हैंड राइटिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट अमाउंट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब हम आ जाते हैं केदारनाथ सिंह जजमेंट में। यहां पर कोर्ट हाईलाइटेड कि देयर नीड टू बी अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। और उसने ये बोला कि सर्टेन सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो सेडिशन से डील करता है, 124A हम सभी ने पढ़ा है, उसमें यू नो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, लेकिन स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है किसी का, आर्टिकल 19, आप तभी खत्म करो, आप तभी रिस्ट्रिक्ट करो जब उन्होंने एक्चुअली में पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट किया है या वायलेंस इंसाइट किया है अपने विम्स एंड फैंसीज पे नहीं। ओके आर्टिकल 20 है क्या? इट इज द फाउंडेशनल यू नो फाउंडेशन टू द इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द हमारा जो सीआरपीसी है 1973 एंड द आईपीसी 1860 वाज अपडेटेड, और आर्टिकल 20 प्लस सीआरपीसी प्लस आईपीसी 1860 मेक्स अप द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज माइट हैव इन दिस टॉपिक, आर्टिकल 20 में कोई कोई डाउट किसी भी तरीके का, अगर डाउट हो तो बताओ, नहीं है फिर से पूछो। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जेपर्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो, रिट्रोस्पेक्टिव लॉज, किसी को डाउट है इसमें, किसी जजमेंट में? इसमें सजा ना हो बरी हो तब भी कर सकते हैं। यस बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है आगे चलते हैं।